If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. As the title shows, this story is about a little girl Kezia. ये एक छोटी लड़की केजिया की कहानी है. Besides Kezia, there are three more members in the family: her mother, her father, and her grandmother. केजिया अपने पिता से बहुत डरती थी और अक्सर उनसे दूर रहा करती थी. फादर के ऑफिस जाने के बाद वो काफी रिलीव्ड फील करती थी. केजिया अपने पिता से इतना डरती थी कि उनके सामने हकलाने लगती थी. He appeared to her as harsh, rude, and critical. उसकी दादी माँ चाहती थी कि वो पेरेंट्स को और बेहतर तरीके से समझे और वो केजिया को उनसे बात करने के लिए संडे आफ्टरनून में ड्राइंग रूम में भेजती है. लेकिन केजिया हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए और अपने फादर को सोफे पर लेटे हुए पाती थी. फादर का रुमाल उनके चेहरे पर और पैर एक अच्छे नरम तकिए पर टिके रहते थे और वो गहरी नींद में खर्राटे ले रहे होते थे. वो एक स्टूल पर बैठ जाती और सीरियसली उनकी ओर देखती रहती जब तक कि वे जागकर टाइम नहीं पूछते थे. फादर केजिया को टोक दिया करते थे, कहते, इस तरह मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो. एक दिन केजिया कोल्ड की वजह से घर पर ही थी. उसकी दादी माँ ने बताया कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे है और उसे अपने फादर को पीले रेशम से बना हुआ एक सुंदर पिनकुशन देना चाहिए. केजिया ने बड़ी मेहनत से एक दोहरी रुई को तीन और से टांके लगाए. नाउ शी वॉन्टेड टू स्टफ इट विद समथिंग. अब वो स्टफ की तलाश करने लगी. उसे मदर के बेडरूम में टेबल पर कुछ कलरफुल पेपर्स मिल गए. उसने उन्हें फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े किए और कुशन में भर के सिलाई कर दी. उसी रात घर में शोर शराबा शुरू हो गया. गलती से केजिया ने उन कागजों को फाड़ दिया था जिन पर उसके फादर की पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच लिखी थी. हालांकि केजिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि कागज उसी ने फाड़े हैं और इसके पीछे जो रीजन था वो भी बताया. लेकिन फादर बहुत गुस्से में थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना और केजिया की हथेली पर रूलर से मार कर पनिशमेंट दिया. घंटों बाद दादी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वो सुबह तक सब कुछ भूल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केजिया जब भी फादर के सामने आती तो अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी. उनके मकान से आगे की ओर एक और मकान था जिसमें मैकडॉनल्ड फैमिली रहती थी. उनके 5 बच्चे थे. दीवार में एक छोटा छेद था जिसमें से केजिया ने झांक कर देखा तो शाम का समय था और वे टैग यानी पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे. फादर ने सबसे छोटे बच्चे को कांधों पर उठाया हुआ था. दो छोटी लड़कियां फादर के कोट की जेबें पकड़कर फूलों की क्यारी के चारों ओर दौड़ रही थी. सभी खूब मस्ती कर रहे थे. अब केजिया की समझ में आया फादर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, वरना तो एक ही पिक्चर उसके अपने फादर की पिक्चर उसके माइंड के अंदर थी. एक दिन उसकी मदर बीमार हो गई और ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल चली गई. अब घर में केजिया और उनकी कुक एलिस ही थे. जब एलिस रात में उसे बिस्तर पर सुला रही थी तो वो डर गई. केजिया ने बड़ी मासूमियत से पूछा, What will I do if I have a nightmare? अगर रात को मुझे डरावना सपना आया तो मैं क्या करूंगी? एलिस ने समझाने की कोशिश की और साथ ही ये इंस्ट्रक्ट भी कर दिया कि वो शोर ना मचाए, नहीं तो बेचारे फादर की आंख खुल सकती है. लेकिन उसे फिर वही डरावना सपना आया. कसाई एक रस्सी और एक चाकू लिए उसके पास आया. एक डरावनी मुस्कान के साथ केजिया हिल भी नहीं सकी, बस खड़ी रही और चीख रही थी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर. वो कांपते हुए जाग गई और उसने अपने पिता को हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए बिस्तर के पास खड़े हुए देखा. What happened? Father asked. केजिया चिल्लाई, वो कसाई, छुरी, मुझे दादी माँ चाहिए. तब फादर केजिया को उठाकर अपने बेड पर ले जाते हैं और अपने पास लिटा लेते हैं. केजिया ठंड से कांप रही थी. तब फादर ने कहा, Here, rub your feet against my legs and get them warm. She felt very safe and comfortable with him. वो अब अपने पिता के पास आके काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी. अब उसके मन से डर भाग चुका था और अपने फादर की गोद में वो सेफ फील कर रही थी. केजिया को एहसास हो चुका था कि उसके फादर केवल डरावने नहीं हैं, बल्कि उन्हें उसकी चिंता है. लेकिन वे अपने तरीके से उससे प्यार करते हैं. दिन भर की थकान की वजह से वो उसके साथ
नहीं खेल पाते. दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग एपैक्स ट्यूटोरियल्स.